कर दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई हो आप सभी अच्छे होंगे। आज काफ़ी मस्त धूप देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे का अभी समय हो रहा है। काफ़ी क्लीन वेदर देखने को मिल रहा है। बढ़िया धूप खिली हुई है। जिस प्रकार कल बारिश हो रही थी, आज मौसम एकदम बदल गया। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ कसियाले की तरफ, मार्केट की तरफ। दूध भी देना है डेयरी पर, दूध भी पहुँचाना है और साइड पर भी निकलना है मजेड़ा के लिए। काफ़ी शानदार व्यूज आ रहे हैं आज। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मजेड़ा साइड में। मजेड़ा साइड से कुछ इस प्रकार व्यू आ रहा है अभी। और काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सुबह के टाइम में। थोड़ा बहुत पत्थर नीचे फेंक रहे हैं और साथ में रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है यहाँ पे। जिस प्रकार बारिश होती थी, लग नहीं रहा था काम होगा। कभी धूप आ रही है आज भी, कभी बादल आ रहे हैं सुबह से ही। सुबह तो एकदम क्लीन धूप थी, अभी आते आते एकदम बादल भरने लगे हैं और ठंडा काफ़ी हो रहा है। पत्थर का काम है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। हमें आग की ज़रूरत भी होगी। ये देखिए दोस्तों, साथ में महेश भाई चढ़ा हुआ है ऊपर पेड़ में, वहाँ से तोड़ रहा है लकड़ियाँ और पास में हम आग जलाएंगे, क्योंकि ठंडा काफ़ी है। सुबह क्लीन धूप थी, अभी आते आते आसमान में बादल भरने लगे हैं और सामने जलाएंगे हम आग, क्योंकि ठंडा हो रहा है। सीमेंट और पानी का काम है, साथ में पत्थर, गोला का पत्थर काफ़ी ठंडा हो रहा है। और मौसम दिखाता हूँ मैं आपको अभी किस प्रकार हो रहा है। ये देखिए, पूरे बादल भर चुके हैं, एकदम काले बादल फिर से आने लगे हैं। कल भी बारिश हुई थी तो उसी के कारण काफ़ी ठंडा यहाँ पर आज हो रहा है। और काम हमारा यहाँ पर चला हुआ है और साथ में हमने आग भी जला दी। थोड़ी थोड़ी देर में आग सेक रहे हैं और काम लगातार यहाँ पे चला हुआ है। ये देखिए, हमने आग लगाई हुई है यहाँ पे। थोड़ी देर काम हो रहा है, फिर हाथ सेकने पड़ रहे हैं आग से, क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा है। पत्थर का काम है, आप समझ सकते हैं। इस प्रकार का आ रहा है अभी दोपहर के समय में। आसमान में पूरे बादल भर चुके हैं। सुबह जो मौसम था, सुबह आपको दिखाया मैंने क्लीन धूप थी, और अभी दिन में दोपहर आते आते देखिए पूरे आसमान में काले बादल आ चुके हैं। पहाड़ों के मौसम का भी कुछ कहा नहीं जाता, कब क्या हो पता समझ में। दोस्तों, मैं अभी यहाँ हूँ फ्रंट साइड में दीवार के, और आपको दीवार की लुक दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, जो अभी रिटेनिंग वॉल पहले हमारे यहाँ पर तैयार की गई है और जो अभी हम तैयार यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की लुक आ रही है। काम आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, हम घर से लंच करके आ गए हैं, तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। मजेड़ा जाना है, चौखुटा जाना है, दीपक भाई या चौखुटा, मुझे जाना है मजेड़ा की तरफ। तो व्यू कुछ इस प्रकार आ रहा है अभी दोपहर के समय में, तो चलते हैं चौखुटा मजेड़ा। दोस्तों, जाना था चौखुटा मजेड़ा की तरफ और हम निकल चुके हैं अभी मुक्तेश्वर सरका खेत की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं। अभी ये थाना क्रॉस कर लिया हमने मुक्तेश्वर का, तो आगे बढ़ रहे हैं अमित भाई, मैं और एक दो लोग और जा रहे हैं। हमें देखनी है वहाँ पर एक 70 नाली ज़मीन लैंड देखनी है, और उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसी के सिलसिले में लैंड देखने जा रहे हैं, किस प्रकार की लैंड है उसी को समझने के लिए हम जा रहे हैं। अभी देखिए, मुक्तेश्वर सरका के रोड से होते हुए जा रहे हैं हम। ये मेन एरिया है और बहुत से बार आप यहाँ से होते हुए गुजरे होंगे जब भी आप मुक्तेश्वर आए होंगे। हम पहुँचने वाले हैं मुक्तेश्वर के पास में, जो साई मंदिर है उसके पास में पहुँचने वाले हैं। उसी से थोड़ा आगे जाके दोस्तों वो लैंड पड़ती है, लैंड हमने देखनी है। ओनर का फ़ोन आया था, लैंड ओनर का फ़ोन आया था कि लैंड देखनी है एक बार, और लैंड किस प्रकार से डेवलप होगी वो हमने वहाँ पे जाके देखना है। तो पहुँचते हैं लैंड के पास, साईं मंदिर हमने क्रॉस कर लिया तो उसके पास में पहुँचते हैं, फिर आगे बात वहीं करते हैं। पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें वेट कर, जो ओनर का केयर टेकर है वो वेट कर रहे हैं और वो हमें लैंड दिखाएगा। और यहाँ से व्यूज़ देखिए, नज़ारे देखिए, यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। एकदम खुला हुआ यू, लगभग 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से मुक्तेश्वर टेम्पल है। गाड़ी हमने यहाँ पर लगा दी है और यहाँ हो रही है हल्की हल्की बर्फ़बारी, और एक छोटा सा ढाबा यहाँ पे मौजूद है अभी। तो गाड़ी हमने रोड पे खड़ी कर दी है, छोटा सा यहाँ पे ढाबा है, इसको क्रॉस करके एक पतला सा संकरा रास्ता है, इससे हम आगे चलते हैं और जाना है सामने जो मकान दिख रहा है वहाँ तक हमने जाना है। तो चलिए चलते हैं इस रास्ते से होते हुए। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हुई है, शायद थोड़ी रही हुई है, ये देख सकते हैं। ये तो बर्फ ही है। हाँ, ये पूरी बर्फ़ है। अभी हम पतले संकरे रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, थोड़े से आगे हमने जाना है। और यहाँ से जो व्यूज़ हैं, काफ़ी शानदार व्यूज़ देखने को मिल रहा है। ये देखिए सामने का व्यू। फाइनली उस घर के पास में पहुँचने वाले हैं और फिर देखते हैं लैंड किस प्रकार की लैंड है। और व्यूज़ देखिए, काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से। और हम बारिश हो रही है हल्की हल्की, वो भी बर्फ़ ही आ रही है हल्की हल्की। तो हाँ, पूरी बर्फ़ ही है ये, नीचे भी देखें पूरी बर्फ़ यहाँ पे अभी भी टिकी हुई है, शायद रात को गिरी हुई थी, पूरा ये बर्फ़ देखने को मिल रही। तो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। फाइनली उस घर के पास में पहुँच चुके हैं और ऊपर देखिए रोड दिख रही है, और ये बिजली का पोल दिख रहा है और पीले पीले एंगल दिख रहे होंगे। ये देखें,
यहाँ से इनकी लगती हुई लैंड है, ये टोटल जिसमें घर वर बनाया ये भी सह है, और आसपास बढ़िया इन्होंने यहाँ पे पीछे आड़ू का बगीचा बनाया हुआ है, और सामने पूरा मस्त ग्रीन जंगल। तो कुछ इस प्रकार के व्यू हैं यहाँ से, काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और लैंड देखिए, लैंड काफ़ी अच्छी है, बढ़िया, जो यहाँ पे केयर टेकर रहते हैं उन्होंने बढ़िया इसको उपजाऊ बना रखा है। साथ में पीछे आड़ू के पेड़ भी बढ़िया लगा रखे हैं। और नीचे देखिए, जहाँ तक आपको नज़र पड़ रही है नीचे, ये पूरा एरिया इन्हीं का है, करीब 70 नाली लैंड है दोस्तों, आप लगा सकते हैं एरिया कितना बड़ा होगा। और सामने जो व्यूज है, ये है मुक्तेश्वर घाटी, मुक्तेश्वर मंदिर इस लैंड से दिखता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा जूम कर लिया, जो ये ऊंची चोटी दिख रही है, ये है मुक्तेश्वर बाबा का मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। और खूबसूरत ग्रीनरी और खूबसूरत व्यूज यहाँ से आ रहे हैं। तो ये लैंड देख सकते हैं आप, पूरा एरिया जितना भी आपको अभी कैमरे में नज़र आ रही है, आगे तक ये पूरे पीले एंगल और ये नीचे तक जहाँ तक भी आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा इन्हीं का है। और खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं यहाँ से, बढ़िया व्यू, और हल्की हल्की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, मस्त नज़ारे। और ऊपर मेन रोड से लगा हुआ प्लॉट है, बढ़िया लैंड, ये गाड़ी भी जा रही है ऊपर, देख सकते हैं। तो इस प्रकार के नज़ारे हैं, इस प्रकार की लैंड है इनकी। और हम आए हुए थे यहाँ पे लैंड देखने और प्रोजेक्ट को समझने, किस प्रकार से लैंड डेवलप होगी, किस प्रकार यहाँ पे काम होगा। तो मस्त व्यू, नीचे भी जंगल का व्यू आ रहा है, आगे भी जंगल का व्यू आ रहा है, और खुला व्यू आ रहा है बढ़िया, और सामने मुक्तेश्वर घाटी। तो इस प्रकार की लैंड है दोस्तों इनकी, काफ़ी खूबसूरत जगह है। फाइनली हम आ चुके हैं मेन रोड पर, तो दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली मेन रोड पे, जो ये नीचे आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए आए, और सामने जहाँ पे घर थे वहाँ मैंने आपको दिखाया, ये पूरा एरिया जितना भी आपको ये नीचे दिख रहा है, ये सारा इन्हीं का एरिया है। अब देखिए एरिया आप समझेंगे, इस मेन रोड से यहाँ जो ये ढाबा है पास में, इस ढाबे से पूरा ये एरिया जो सामने आपको दिख रहा है, पूरा एरिया इन्हीं का है, लगभग 70 नाली, बाकी आगे वहाँ घर के पास में जाके मैंने आपको दिखाया है। हमने देखिए मुक्तेश्वर घाटी में अभी मस्त धूप आ चुकी है, जहाँ चौली की जाली और ऊपर मुक्तेश्वर टेम्पल है। तो चलते हैं यहाँ से अपने कस्या लेक की तरफ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं भटेलिया मार्केट में, मुक्तेश्वर की बड़ी मार्केट, मुक्तेश्वर की मेन मार्केट, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जो भी मुक्तेश्वर में यहाँ पर आता है, इसी भटेले मार्केट होते हुए मुक्तेश्वर टेम्पल की तरफ चलता है। तो हम चलते हैं कैसे।